बात बिल्कुल सही है। देखिए एसी बस है और पसीना इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ लेडीज़ों को देख के इसलिए नहीं रोकते कि फ्री है, जेंट्सों को देख के रोक लेते हैं। अरे तो ये तो ड्राइवर की बदमाशी है ना, तो आपको बोलो ना क्यों नहीं रोकते लेडीज़ों को देख के। लेडीज़ अकेली खड़ी है, रात में भी खड़ी होती है, दिन में भी खड़ी होती है, रोकना चाहिए ना। अरे हमने दिखाया था कि ये नहीं रोकते हैं। अच्छा आप बताइए ये फ्री की पॉलिटिक्स को अरे एटा के तो क्या हो गया है, तो हिंदुस्तान में देख रहे हो कि हर जगह कह रहे यहाँ सरकार बनेगी तो ये फ्री कर देंगे, वहाँ सरकार बनेगी तो ये फ्री कर देंगे। ये नेताओं का फ्री का जो दाव है वो ठीक है कि गलत है? क्या भारत राशन लेते हैं और उससे भी ज़्यादा के राशन के सिलेंडर पे महंगाई की बराबर की है, गरीब आदमी तो वैसे ही मरा है। बताओ राशन फ्री है और सिलेंडर 1000 का पार, 1000 से ऊपर है, एक 1100 रुपये का, 1120 का। अब बताओ गृहिणी क्या करेंगे ये लोग? अरे मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही हूँ? गुस्सा नहीं हो रही हूँ मैं, बस वालों में गुस्सा हो रही हूँ। जवाब दे रहे आप, सवाल कर रहे हो जवाब दे रही हैं, और क्या इसमें गुस्सा की क्या बात है? अरे हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि नेता एक चीज फ्री देता है, दूसरी तरफ से आपसे दूसरे पॉकेट से ले लेता है, लेकिन आपके समझ आता है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है। अगर राशन फ्री कर देता है तो सिलेंडर कर देता है, तेल कर देता है, पेट्रोल में दाम बढ़ा देते हैं, तो आता तो हम ही लोगों से ही है। तो जनता ये बात समझती है लेकिन तब भी फ्री पे भागती क्यों है? अब इसमें के बारे में मैं क्या कहूँ? तो मैं बस में बिल्कुल आम लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कर रहा हूँ कि ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है, ये जो रेवड़ी राजनीति है, वो देश को कहाँ ले जाएगी? देश का आम आदमी क्या सोचता है और क्या सरकार बनाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता, राजनीति का सबसे शॉर्टकट रास्ता इन दिनों यही हो चला है क्या? अंकल देश को कंगाल कर देगी ये, ये राजनीति देश को कंगाल कर देगी, क्योंकि फ्री का लेना ठीक नहीं है। मेहनत करो, आओ अपनी मेहनत से कमाओ, आओ वही अच्छा लगता है। अपने बच्चों को क्या दोगे शिक्षा? नई जनरेशन को क्या शिक्षा दोगे? हम फ्री खाते रहे हैं, फ्री राशन लेते रहे हैं, हाँ जी फ्री सर्विस करती है, देश के लिए कुछ करो। लेकिन जनता तो आप देख ही रहे हो पागल हो रही है इसी पे। जनता तो है ही पागल, उनको तो मुफ्त का चाहिए था, मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत तो करनी चाहिए ना, हमने भी 40 साल फौज में नौकरी की है, सिविल में, हाँ पेंशन लेते हैं। तो आपको तो पेंशन मिल रही है, जिसको ना मिले वो क्या करे? ये भी पेंशन लेते हैं। जिसको आपको तो आ रही है फ्री राशन लेते हैं, नहीं मेहनत करें ना, और भी काम है थोड़ा कि ये लोग देखो जी, जो दुकानदार चाय बनाता है या सिगरेट बेचता है या पान बीड़ी बेचता है, वो भी कमा ही रहा है ना, ये भी मेहनत कर सकते हैं। देखो रोड साइड में लगी हुई है, रेडियां लगी हुई है, देख लो ये मनरेगा योजना और इसके बाद ये फ्री का राशन, फ्री का राशन, ये दोनों की वजह से गांव में मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए, राशन मिल ही जा रहा है, काम करने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो फ्री का है ना, फ्री का काम। दूसरा पहलू ये भी है कि आप रिटायर कब हुए थे फौज से? 2002 में 21 साल 60 साल की एज में रिटायर हुआ था। आई एम नाउ 82। आप 82 के? हाँ जी। तो अब आपकी पेंशन तो 50,000 से ऊपर होगी? हाँ मैं 65,000 के करीब है। अब बताओ आप 65,000 पा रहे हो, यहाँ नए लड़के बीटेक करके 20,000 की नौकरी नहीं पा रहे? नहीं नौकरी तो मिलती है, मेहनत नहीं करना चाहते लोग। 20,000 कहाँ, पहले जब हम नौकरी लगे थे तो 150 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उसमें खुश थे। 150 और तब उस समय किराए पे भी रहते थे, किराया भी देते थे। एक तोला सोना कितने का था? 8-10 रुपये, 25 रुपये के करीब था मेरे ख्याल उस वक्त। तो आप 6 तोला सोना खरीद सकते थे, आज 1 तोला 60,000 का है, तो आपकी पेंशन 3 लाख होनी चाहिए, तो उस समय आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। जब हम रिटायर हुए उस वक्त बेसिक पेंशन जो सैलरी थी वो 11.5 हज़ार। मैं कह रहा हूँ जब बात ये होती है कि देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ तो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है दावा किया जाता है,
दूसरी तरफ इसी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो ट्रिलियन इकॉनमी है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए बढ़ रही है, मेजॉरिटी अभी फ्री के खाने के लिए ही परेशान है, ऐसा है क्या? नहीं, देश में डेवलपमेंट भी हो रहा है, रोड बन रही है, है जी, और नए एम्स बन रहे हैं, नई IIT बन रही हैं, लोगों को सुविधा दी जा रही है, पढ़ो जी, मेहनत करो। पहले तो हॉस्पिटल भी कम होते थे। ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स ठीक है? झूठ बोलता है वो हर वक्त। वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, बस झूठ पे टिका हुआ है वो। वो तो कहते हैं कि पीएम, पीएम का पीएम को वो तो इस जन्म में तो बन सकता, मोदी जी इस जन्म में नहीं बन सकता वो। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, आप मोदी जी का पूछना चाहते हैं। मोदी जी को मैं पर्सनली मिला हूँ, मैंने बात चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसका जो मीडिया इंचार्ज है वो मेरे बेटे के साथ इंजीनियरिंग की है उसने। अच्छा, आपका रिश्ता तगड़ा। हाँ जी, सुनो जी, पर वो काम किसी का नहीं करते, सिफारिश नहीं करते, सिफारिश नहीं करते किसी की, किसी की सिफारिश नहीं करते वो। मैंने अपने अपने दूसरे बेटे के लिए कहा था, रिज के लिए कही, जब जुगाड़ लगाया था लेकिन नहीं, ना जी सिफारिश नहीं करते। पर्सनली मिला हूँ उनके घर, रहा हूँ 3-4 दिन, लेकिन आपका काम नहीं किया उन्होंने, सिफारिश नहीं करते। ना सिफारिश करते ही नहीं वो, कई बार आए हैं यहाँ, मेरी बेटी यहाँ रहती है बड़बड़ेगंज में। तो लेकिन वो कई बार जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को बढ़ाते हैं, ना आप कह रहे से नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। अभी तक उनके मेरे जो बेटे हैं इंजीनियर हैं, वो अपनी मेहनत से उन्होंने किया है काम, यूनिटेक में काम किया, उसका भट्टा बैठ गया यूनिटेक, आपको पता ही है। उसके बाद टाटा में रहे वो, टाटा रियल्टी में, उसके बाद GMR में वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद में। अच्छा ठीक, क्या हैदराबाद में वाइस? अच्छा ठीक है, होंगे। तो आप बताइए कि अभी देश में जो नेता हैं, कांग्रेस का कुछ स्कोप देखते हैं आप? ना, तो दो स्टेट में सरकार, देखो स्टेटों में तो कोई बात नहीं, सेंटर में सरकार मजबूत होनी चाहिए जो देश को दुनिया में रिप्रेजेंट